तो आज समाजवादी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण दिन, और वो दिन इस वजह से क्योंकि आज जो बीजेपी छोड़कर लोग आए हैं वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे। ब्रजेश प्रजापति, बांदा में मजबूत करने की तैयारी है सपा की? सिर्फ बांदा में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत स्थिति पर है। और आज हम सब लोग माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में 11 बजे के बाद भारत समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेंगे, और सदस्यता लेने के बाद में वो उत्तर प्रदेश में तूफान आएगा, जिस तूफान में भारतीय जनता पार्टी के परखच्चे उड़ते हुए नजर आएंगे, उसको दफना देंगे। अच्छा, हमने बहुत सारे नाम सुन लिए जो अभी तक बीजेपी छोड़ चुके हैं, लेकिन चर्चा ये है कि कुछ और लोग भी हैं, स्वामी जी, दारा सिंह जी, धर्म सिंह सैनी, सारे लोग दावा कर रहे हैं। देखिए, कौन है वो चेहरे? हम लोगों का प्रयास है लगातार कि रोज कम से कम एक माननीय मंत्रीगण और दो चार विधायकों का इस्तीफा होता रहे, और वो कड़ी 20 तारीख तक जारी रहेगी। मुकेश जी भी हमारे साथ हैं। मुकेश जी, 20 लोगों से क्या कम जाएंगे? 20 एमएलए आज रहेंगे, और प्रतिदिन इंजेक्शन लगेगा, प्रतिदिन इंजेक्शन लगेगा। और मैं आपको बता दूं कि इंजेक्शन TDS लगेगा, अभी TDS इंजेक्शन लगेगा। एक एक आदमी समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करके भारतीय जनता पार्टी जहाँ थी वही आ जाएगी, ये मैं बता। मुकेश जी, क्या कितनी संख्या बता रहे हैं आज, कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं? आज 2 दर्जन से ज्यादा लोग शामिल हो रहे हैं, 2 दर्जन से ज्यादा। मैं उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता के पैरों में प्रणाम करता हूँ, और उस 23 करोड़ जनता का दायित्व और कर्तव्य है कि परम पूज्य बाबा साहब के संविधान को बचाना, और संविधान हम लोगों के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, शोषितों के लिए, पिछड़ों के लिए। मुकेश जी, ये बताइए, मैं बताना चाहता हूँ कि लोधी समाज का कितना वोट है, पूरा समाजवादी पार्टी में जाएगा। लोधी समाज के सर्वोपरि नेता बाबूजी कल्याण सिंह जी थे, उनको 2.5 साल में हटा दिया था, है ना, और अभी धर्मपाल सिंह थे, 2.5 साल में उन्हें हटा दिया। अरे भाई, अपना 10% का जो रिजर्वेशन है, गरीबों का जो रिजर्वेशन है, खुद खा गए। मुकेश जी, एक चीज बता दिए, ये क्या लड़ाई पिछड़े, ये लड़ाई पिछड़ों की बात है, ये सरकार की बात नहीं है, ये पिछड़े की लड़ाई की बात है। अच्छा, तो ये पिछड़ा बनाम अगड़ा हो रही है लड़ाई। परम पूज्य बाबा साहब ने 85% लोगों को जो रिजर्वेशन दिया था, उस रिजर्वेशन की लड़ाई है, उसे ये खत्म करना चाहते हैं, और टेक्निकल तरह से खत्म करना चाहते हैं। आपने देखा होगा, 10% रिजर्वेशन, 10% रिजर्वेशन। एक सवाल सुन लीजिए मुकेश जी, एक सवाल सुन लीजिए। 85% लोगों का हक था, वो 70 साल में नहीं मिला। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो हमारे बैकवर्ड भाई हैं, जिन बैकवर्ड भाई को वो टेक्निकल तरीके से उनके मन और दिल पर राज करना चाहते, बैकवर्ड का ही सवाल पूछ रहा हूँ, क्या ये लड़ाई पिछड़ा बड़ा मगड़ा है? मुकेश भाई, विधायक जी, एक चीज तो सुनिए, जनता पार्टी 85% लोगों को लीलने का काम कर रही है। जी, मैं समझ रहा हूँ, मन में बहुत कुछ है। विधायक जी, नागनाथ है ये, सांपनाथ है ये, नागनाथ है विधायक जी, सांपनाथ है ये। लड़ाई पिछड़ा बना मगड़ा की है क्या? ये पिछड़ों की लड़ाई की बात है। तो बीजेपी के आंकड़ों की पार्टी है ये पिछड़ों की लड़ाई की बात है। ये बताइए, बीजेपी का आंकड़ों की पार्टी? बीजेपी तो केवल 5% लोगों की पार्टी है। कौन है 5% पार्टी है? ये बड़े लोगों का ही काम करती है, ये बड़े लोगों का ही काम करती है समाजवादी पार्टी। तो ये मुकेश वर्मा जी हैं जो बता रहे हैं कि बीजेपी अगड़ों की पार्टी है, 5% वोट बैंक रह गया है बीजेपी का।